और आज हम लोग करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के कुछ अच्छे क्वेश्चन। करोगे कैसे, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो सोल्यूशन देखो, देखो कहाँ कमी आ रही है, ठीक है ना। मतलब अगर नहीं हुआ क्वेश्चन तो अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो, फिर उस पर काम करो, उस पर सुधार करो। और ये बात यहाँ नहीं, पूरी जिंदगी भर याद रखो, जब तक इस धरती पर रहोगे तब तक याद रखो कि जब तक तुम कुछ काम करोगे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आएंगे यार, उनको रेक्टिफाई करके, उनको रिजॉल्व करके, उनको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है, तब जाके सक्सेस मिलेगा। चलो तो सबसे पहले ये कहता है कि एक वर्टिकल स्प्रिंग है, चलो एक वर्टिकल स्प्रिंग बना लिया हमने, दिस इज द वर्टिकल स्प्रिंग, ये एक हम लोग के पास वर्टिकल स्प्रिंग है। अब इस वर्टिकल स्प्रिंग कहता है फिक्स ऑन ए टेबल, ए बॉल मास एम हाइट एच अबव द फ्री सरफेस वर्टिकली ड्रॉप सो दैट स्प्रिंग कंप्रेस बाय ए डिस्टेंस डी द नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस। चलो तो अगर ये वर्टिकल स्प्रिंग है, समझना इसको, इस वर्टिकल स्प्रिंग के कुछ हाइट से, ठीक है, यहाँ से कुछ हाइट से मैं एक बॉल गिराता हूँ, ठीक है, कुछ हाइट से मैं एक बॉल गिराता हूँ और मैंने बॉल गिराया, ये जो हाइट है वो इनो ये बता रहे हैं कि कुछ हाइट एच से मैं बॉल गिराऊंगा, क्लियर है। और उसके बाद जो स्प्रिंग है वो डी कंप्रेस हो गई है, ठीक है, वो डी कंप्रेस हो गई है, मतलब फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, मान लो स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो गई और ये स्प्रिंग हम लोग की कंप्रेस हो गई, अब बॉल यहाँ है, दैट इज द कंप्रेशन, कंप्रेशन इन स्प्रिंग इज डी, ठीक है, या मतलब ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, इससे ज्यादा कंप्रेशन नहीं हो सकता, तो उस मोमेंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी, और यहाँ ड्रॉप हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो से ड्रॉप हुआ था, समझना, यू जीरो से ड्रॉप हुआ था, ये टोटल डिस्टेंस डी प्लस एच हो गया, और फाइनली वेलोसिटी भी मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में यहाँ भी जीरो होगी यार, तो चेंज इन मास जो है बॉल का मास एम है, तो चेंज इन जो बॉल का मास m है, तो चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल टू फाइनल जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फोर्स, जितने भी फोर्स वर्क किए होंगे उन सभी का नेट वर्क डन जीरो होगा यार, ठीक है। अगर नेटवर्क जीने आप देखते हैं कितने फोर्स इस पे वर्क किए, अगर बॉल यहां से यहां तक आ जाएगा तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग, जब स्प्रिंग यहां से स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट होगा तो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लगेगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, दिस इज द नेट वर्क डन। एक्चुअली जो नेटवर्क डन है वो तो होगा तो जीरो ही है, नेटवर्क डन तो जीरो ही होगा, बिकॉज देख रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो ना इक्वल है तो वर्क डन जीरो होगा, पर वो जो जीरो हो किसी अलग फॉर्म में दिया हुआ है। चलो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लेते हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो जब वो नीचे आएगा तो ग्रेविटी वर्क करेगा एम जी डी प्लस एच, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेविटी फोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेविटी नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच प्लस डी, जो कि पॉजिटिव है। यहाँ से स्प्रिंग वर्क करना स्टार्ट करेगा, जब स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लगेगा, समझना, स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है, और स्प्रिंग का फोर्स अगर ऊपर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो स्प्रिंग कुल मिला के, जब मैक्सिमम स्प्रिंग जितना कंप्रेस होगी, जितनी मतलब 100 जूल एनर्जी हमने स्प्रिंग को कंप्रेस करने में लगा दिया, तो वही 100 जूल एनर्जी जो है वो स्प्रिंग का वर्क डन होगा निगेटिव, तो स्प्रिंग का वर्क डन निगेटिव होगा और माइनस हाफ के और डिस्प्लेसमेंट डी, दिस इज द नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस। एक्चुअली अगर ये पूरा जीरो के बराबर है तो ये वर्क डन और ये वर्क डन आपस में इक्वल है यार, समझ रहे हो ना, मतलब एम जी डी प्लस एच मस्ट बी इक्वल टू हाफ के डी स्क्वायर, ठीक है, लेकिन हमारा जो सोल्यूशन है वो इसी के टर्म में दिया हुआ है, एम डी डी प्लस एच, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट,